नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, रोज़ाना अपन डेली जीके जो कि स्टैटिक पार्ट होती है उसका सीरीज देख रहे हैं। रोज़ाना 10 क्वेश्चन करते हैं, 5 से 6 मिनट होता है, आपको चीज़ें मैं याद करवा देता हूं। तो पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, तुलसीदास जो कि रामचरित मानस के जो लेखक थे उनका मूल नाम क्या था, ये पूछा जाता है। देखिएगा, यहाँ पे राम तेनु नाम दिया है, पांडू राम दिया है, राम बोला दिया है, हरि प्रसाद दिया है। तो जो तुलसीदास थे जो कि अकबर के समकालीन थे, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, उनका मूल नाम राम बोला। अब राम जी के बारे में क्या बोला, रामचरितमानस बोला। ठीक है, इस तरह से याद रखें कि रामचरितमानस किसने बोला, राम जी के बारे में किसने बोला, तुलसीदास ने बोला। ठीक है, इस तरह से याद करेंगे। बाल गंगाधर तिलक का मूल नाम क्या था। देखिए, बाल जो अवस्था है केशव का, केशव भगवान जो कि कृष्ण भगवान कहलाते हैं, उनका बाल अवस्था काफ़ी न्यारा है, काफ़ी मोहित करने वाला है, काफ़ी फैसिनेटिंग है, लवेविंग है, जो भी बोल सकते हैं। तो बाल से दिमाग में आएगा कृष्ण भगवान जैसा कुछ सेंस, यानी कि केशव किनका मूल नाम था, बाल गंगाधर तिलक का। अगर देखिएगा, यहाँ पर कन्फ्यूजन होती है मूल नाम में, बाबर को कौन से बाबर का मूल नाम क्या था, हुमायूं का क्या था और अकबर का क्या था। देखिएगा, यहाँ पे दीन दीन तीनों में है। ठीक है, तीनों में दीन है, बाबर में जहरुद्दीन है, हुमायूं में नसीरुद्दीन है और अकबर में जलालुद्दीन है। ठीक है, जलालुद्दीन तो काफ़ी फेमस नाम है अकबर का, वो तो प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ पे बाबर में जहरू, यानी कि जहर यहाँ पे बो दिया था भारत में, ये जहर बो दिया, अब तो यहाँ पे मुगले मतलब कि यहाँ पे शासन करेंगे। इस तरह से याद करेंगे कि मुगले शासन स्टार्ट हो गया था, जहर का बीज बो दिया था, इस तरह से। हालांकि देखिए, मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, बस याद करने का आपको तरीका बता रहा हूँ, आप अपने तरीके से भी याद करेंगे। ठीक है, उसके बाद नसीरुद्दीन, हुमायूं को नसीरुद्दीन, और या आप कह सकते हैं कि जो नसीरुद्दीन शाह है उसी से रिलेट करेंगे कि मतलब कि हुमायूं उनको, इस तरह से जो भी आप तरीका याद करें कि तीनों को तीन नाम से, दिन दिन तीनों में है। डूबते हुए सूर्य लाल दिखता है, ऐसा क्यों होता है। देखिएगा, जो साइंस के कुछ फेनोमेना होती है, जैसे आपके प्रकीर्णन होती है, परावर्तन होती है, अपवर्तन होती है, ठीक है, तो किसके कारण जो डूबता हुआ सूरज लाल दिखाई देता है, तो स्कैटरिंग के कारण, यानी कि प्रकीर्णन के कारण। इसमें क्या होता है कि जो सूर्य होती है वो पृथ्वी से काफ़ी दूर होती है, तो जिसकी वजह से सूर्य से आने वाली जो किरणें होती है वो स्कैटर हो जाती है, यानी कि प्रकीर्णित हो जाती है, यानी कि बिखर जाती है। लेकिन जो रेड किरण है काफ़ी लंबा वेवलेंथ के कारण ये पहुंच जाती है, जिसके कारण जो आपका सूर्य है वो लाल दिखता है, क्योंकि लाल वाला जो किरण है वो पृथ्वी पे आ गई, बाकी सब किरण दूरी की वजह से स्कैटर हो गई। तो स्कैटरिंग की वजह से ही डूबते सूरज या उगते हुए सूरज भी लाल दिखाई देता है। ठीक है, दोनों में स्कैटरिंग ही होती है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शिलादित्य की उपाधि किसने धारण की थी। देखिए, शिला की जवानी, अगर आपने एक गाना देखा होगा तो उसमें मतलब कि हर्ष होता है देखने में, हर्ष मतलब कि खुशी होती है, और वो गाना में भी लोग खुश होकर नाच रहे थे, तो यानी कि शिलादित्य की उपाधि हर्षवर्धन ने धारण की थी। हर्ष मतलब खुश होना होता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बंगाल का प्राचीन नाम गौड था। देखिए, जो कह सकते हैं कि जो अंग्रेज़ थे वो अपने आप को गॉड मानते थे, तभी तो अपने नाम के आगे लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड ये लॉर्ड वो रखते थे, यानी कि गॉड अपने आप को मानते थे। और उनका मेन हब कहाँ पे रहा, बंगाल में रहा। ठीक है, बंगाल में ही वो पहले ज़्यादा विकसित हुए। ठीक है, उसके बाद पूरे इंडिया पे कब्जा किए। तो बंगाल का प्राचीन नाम गॉड रख दिया गया, इस तरह से हम याद करेंगे। ये हालांकि फैक्ट नहीं है, लेकिन आप याद रख सकते हैं। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था। तो सुल्तान की उपाधि, देखिएगा, मोहम्मद गजनवी जो कि 17 बार इंडिया पे आक्रमण किया, कासिम के बाद जो सेकंड नंबर पे आया था इंडिया में जो मुस्लिम शासक, वो कौन थे, आपको भी पता है कि ये आपके मोहम्मद गोरी थे। ठीक है, शायद हाँ मोहम्मद गोरी ही हो गए, नहीं मोहम्मद गोरी तो 92-91 में आ गया था। ठीक है, तो सेकंड बार में गजनवी आया था 1000 के समथिंग में। ठीक है, 17 बार आक्रमण किया था, तो ये पहली बार क्या धारण किया, सुल्तान की उपाधि। तो कौन से मुगल मुस्लिम शासक सुल्तान की उपाधि धारण किया था, तो सेकंड बार जो आया था कासिम के बाद आया था मोहम्मद गजनवी, वो धारण किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ताइवान देश का पुराना नाम क्या था। तो ताइवान देश का पुराना नाम फार्मोसा था।
एक इकोनॉमिक्स में प्रश्न बनते हैं हॉट मनी। तो हॉट मनी क्या होता है? देखिए, हॉट मनी मतलब ये नहीं कि उसको आग पे रख दिए तो वो हॉट मनी हो गया। हॉट मनी का मतलब होता है मुद्रा जो एक अर्थव्यवस्था में आसानी से आती है और आसानी से बाहर चली जाती है, उसे हॉट मनी कहते हैं। ठीक है, आसानी से आ जाएगा और आसानी से चला जाएगा, उसी को हॉट मनी कहते हैं। हॉट होता है ना, उसको कोई भी मतलब कि आसानी से बुला सकता है। जो हॉट एक्ट्रेस होती है उसको आसानी से पैसे देके बुलाया जा सकता है, और जो हॉट रहती है वो इधर उधर मतलब कि छटकते रहती है। तो यानी कि आसानी से आएगा, आसानी से चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से याद रखेंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं जितने भी क्वेश्चन, हालांकि बेतुका तरीका है याद करने का, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसी तरीके से भी याद हो जाना चाहिए। कोई भी तरीका हो, बस याद होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिले, तब तक के लिए धन्यवाद।